फ्रेंड्स आज हम करेंगे मोटो जी 6 के कैमरे का कंपैरिजन मोटो जी 5S प्लस के कैमरे से। मोटो जी 5S प्लस 4GB 64GB वेरिएंट अमेजोन इंडिया पे अभी जो मैंने लास्ट देखा था 12,999 रुपये में अवेलेबल है। काफ़ी अट्रैक्टिव डील है ओरियो का अगर आप भूल जाए तो। गाइस इसमें आपको मिलेगा डुअल 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरे का सेटअप 13+13 एंड सेल्फी 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस के साथ। गाइज मैं स्पेसिफिकेशन के डिटेल में नहीं जाना चाहता बट मोटो जी 6 15,999 रुपये में 4GB 64GB वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ और आपको यहाँ भी मिलेगा डुअल रियर कैमरे का सेटअप प्राइमरी 12 मेगापिक्सल का एंड सेकेंडरी 5 मेगापिक्सल का और सेल्फी शूटर जो है वो 16 मेगापिक्सल का। मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में मिस्टेक किया था, मैंने 8 मेगापिक्सल बोल दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कैप्शन में मेंशन कर दिया था। गाइस मोटो जी 6 एंड मोटो जी 5S प्लस में से कौन सा डिवाइस क्विक है ये जानने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर से देखिए। आज हम बात करेंगे सिर्फ कैमरे के बारे में। व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान एंड यू वॉचिंग आईफोन अनबॉक्स। गाइज वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो मोटो जी 5S प्लस विनर है। 4K वीडियोस आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड मोटो जी 6 में मैक्सिमम 1080p, तो दोनों के 1080p वीडियोस में यहां आपके साथ शेयर कर रहा हूं, रिजल्ट काफ़ी क्लोज है। अगर आप टाइम लैप्स के फैन हो तो मोटो जी 6 में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। स्लो मो वीडियो आप दोनों डिवाइस में ही रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्फी डिपार्टमेंट में मोटो जी 6 आपको डेफिनेटली इम्प्रेस करेगा। इवन लो लाइट में भी कलर ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं एंड ब्राइट भी लगता है। सफिशेंट लाइट नहीं होने पर भी अच्छा सेल्फी आप ले सकते हैं, स्पेशली डार्क सिचुएशन में भी। गाइज मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट में शॉट्स नहीं ले पाया वेदर की वजह से, फिर भी मैंने कुछ शॉट्स दोनों से लिया सेम टाइम पे सेम सिचुएशन में। सीरियसली आपके लिए जज करना दोनों में से कौन सा बेटर है ये एक चैलेंज हो जाएगा। गाइज फिर भी हम इमेज के डिटेल में जाकर चेक करेंगे किस कैमरे ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। इस इमेज में मोटो जी 5S प्लस मुझे विनर दिख रहा है बेटर डायनेमिक रेंज के साथ, बट डिटेल की अगर बात करूँ तो दोनों ही काफ़ी इम्प्रेसिव है। G5S Plus ने यहाँ भी काफ़ी अच्छा शॉट लिया, स्पेशली फ्लोर का कलर जो है यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। गाइस ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शॉट है, G6 ने बिल्कुल कमाल कर दिया, ये काफ़ी अच्छा शॉट मुझे लगा, काफ़ी इम्प्रेसिव है। स्काई का डिटेल, रिफ्लेक्शन, पानी बारिश की वजह से पानी जो जम गया था मैदान में उसका रिफ्लेक्शन और उसके अलावा दूसरे एलिमेंट है, काफ़ी अच्छा शॉट G6 ने यहाँ पे कैप्चर किया।
फ्रेंड्स इस इमेज में शार्पनेस एंड कलर्स ज्यादा बेहतर दिख रहा है मुझे G6 में। गाइस ये शॉट्स सारे आउटडोर शॉट्स है बट मौसम के कारण से लाइट में काफ़ी कमी थी, बट अच्छा डिटेल यहाँ पे कैप्चर किया G6 ने। वैसे दोनों का ही शॉट्स अच्छा है बट अगर आप डिटेल में जाएं तो G6 जो है शार्पनेस एंड डिटेल में आपको थोड़ा सा एक कदम आगे दिखेगा यहाँ पे। गाइस पोर्ट्रेट शॉट्स दोनों में ही लगभग मुझे एक जैसे लगे और लाइट ज़्यादा नहीं होने के कारण से मैं आउटडोर में कुछ शॉट्स लेना चाहता था बट लाइट की कमी की वजह से अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा शॉट्स नहीं लिया। बट मैंने पहले अलग अलग दोनों में से दोनों कैमरे से मैंने जो टेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कह रहा हूँ, दोनों में लगभग आपको सिमिलर ही रिजल्ट मिलेगा। गाइज दोनों में से कौन सा डिवाइस मैं पिक करूँ, G6 या G5S Plus? स्पीड की अगर बात करूँ तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। स्पीड में, परफॉर्मेंस में, डे टू डे जो आपका टास्क है ऐसे फ़ोन को हैंडल करते हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप G5S Plus को डेफिनेटली पिक कीजिए। ये सिंपली विनर है, चाहे कोई कुछ भी बोले मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ G5S Plus विनर है। बट गाइज कैमरे के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं ये कहूँगा अगर मैं मार्क्स दूँ तो G6 को 5.5 दूंगा और G5S Plus को 4.5। 3000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो 5.7 इंच यानी बिगर डिस्प्ले के कारण से एंड प्रीमियम लुक के कारण से, दूसरा कोई रीज़न मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। पर अगर आप चाहो तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर के साथ शेयर कर सकता हूँ। गाइज आपको अगर हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड देखते रहिए iPhone Unbox।